नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। प्रणाम माँ। रंजू भाव पुत्र। माँ कहाँ से तबार रही हैं? पृथ्वीलोक से। पृथ्वीलोक से? हाँ, पृथ्वीलोक से। एकमात्र ही बालिका का दुख मुझसे देखा न गया, उसी के कारण ही मुझे जाना पड़ा। धन्य हो माँ, वो बालिका बड़ी भाग्यशाली है जिसके दुख से दुखी होकर आप स्वयं गई। आपकी कृपा के वृक्ष पर ममता के फूल सदा खिलते रहे। फिर क्या हुआ रहा? मुझे खीर खिलाई, मैंने कपड़े पहनाए और फिर मुझे सुलाकर चले गई और ये बोली कि मैं माँ की सेवा में हूँ। खीर खिलाई, नए नए कपड़े पहनाए। माँ तेरी लीला परंपार है। बेटा तो कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली। ए राधा बेटी, तूने तो सारे घर का काम संभाल लिया, भगवान तुझे सुखी रखे। ए दादा, चल लंगड़ी लंगड़ी खेले। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। नहीं दादा नहीं, अगर मेरी टांग टूट गई तो मेरे बापू को कौन संभालेगा? अच्छा तो सब फुगड़ी खेलते हैं। हाँ हाँ चलो हम लोग फुगड़ी खेलते हैं। बस बाबा अब तो मैं थक गई, बापू मेरी राह देखते होंगे। अब मैं कल आऊंगी। हम कल नहीं आएंगे। क्यों? कल रक्षाबंधन है ना, हम कल सब बहनें अपने भैया को राखी बांधेंगे। मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी, मगर दो भाई कौन है? चलो 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 फुगड़ी खेलेंगे, चलो। आपको काटा लगा है? ना मैं निकाल दूं। गजराज जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। गणपति बप्पा मैं आपकी पूजा करने के लिए रोज जाऊंगी। गणपति बप्पा आप कैलाश में क्यों नहीं रहते, इस खंडन में क्यों रहते हैं? गणपति बप्पा बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो, मेरे साथ बात करो ना, करो ना, करो ना बात। नहीं करते? बोलो नहीं करते आप? नहीं करेंगे? जब तक आप बात नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये बैठी। माँ अभी तक राधा नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। पापा आपको ये भूत से डर नहीं लगता? बेटी राधा। कौन कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, गणपति बापा। गणपति बापा कौना? मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए? गणपति बापा कल रक्षाबंधन है, सब लोग अपनी भाई को राखी बांधेंगे। मेरा कोई भाई नहीं, मुझे एक भाई चाहिए। भाई चाहिए? ठीक है, कल सुबह तेरे घर आकर जो तुझे बहन कहकर पुकारेगा वो तेरा भाई होगा, समझी बेटा? मेरा भाई? बापू बापू कल सुबह मेरा भाई आएगा। अच्छा भाई आएगा? हाँ। बहुत अच्छा। पुत्र रणेश, जिस राधा को तुमने भाई देने का वरदान दिया था उसी राधा की भक्ति के बंधन में बंधकर ही मैं उस दिन गई थी। सच माँ, ये वरदान की बात है। इससे भी अधिक आनंद की बात तो तब होगी जब तुम स्वयं भाई बनकर उसके पास जाओगी। मैं जाऊंगा माँ। Thank you.
भैया भैया तू आ गया भैया। हाँ बहन। बापू क्या बात है बेटा? मेरा भाई आ गया। बेटा मैं तो देख नहीं पाता, लगता है तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विनायक है। वाह वाह वाह, दादा भाई को राखी बांधो। अच्छा बापू बांधती हूँ। राखी बांधो, आरती करो, तिलक लगाओ, मुंह मीठा कराए कि नहीं? आज तुमने मुझसे राखी बनवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और इसी तरह हर रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बनवाने आओगे ना? हाँ बहन, सिर्फ राखी बनवाने ही नहीं बल्कि भाई दूज का टीका लगवाने भी आऊंगा। सच भैया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला, और मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यारी प्यारी बहन मिली। चलो भैया। सर्व मंगलानंदे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायण। बेटा ये सब में बांट दे। अच्छा बापू। बापू जी जी और बेटी, बेटा आज भाई दूज है, तुम्हारा भाई आने वाला है, याद है ना? उसे नहीं याद है बापू, आज 15 वर्ष बीत गए हैं पर एक भी त्योहार ऐसा नहीं गया जो मेरे भाई मुझसे मिलने आए हो। मुझे बिल्कुल याद है बापू। आइए राधा। बहन राधा। भैया आ गए। हाँ बहन। जब जब से गया मेरा भाई। बापू देखो मेरा भाई आ गया। पागल नहीं बाबा, जीते रहो बेटा, अब आरती उतारो, अब टीका लगाओ। जी पूछती हूँ मेरे भैया। राधा दुनिया की रीत है कि आज के दिन भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ दिया करता है, बताओ आज के दिन तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, बहन भाई के लिए मंगल कामना करे और उसके बदले में भाई से कुछ मांगे? छी, तुम क्या मुझे इतने स्वार्थी समझते हो? जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलती। हर पल्ली इसमें नाराज होने की क्या बात है, रूठ गई? अच्छा बाबा हम कभी नहीं बोलेंगे, बस खुश हाँ सो हंस भी दो ना बाबा। सच भैया मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला है। अरे दे इतनी प्रशंसा ना करो। क्यों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? झूठ सरासर झूठ। वास्तव में तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी प्यारी बहन या मिली। बिल्कुल झूठ। सच तो ये है कि हम दोनों भाग्यशाली हैं। आइए स्वामीना, बहन के भाई दूज का टीका लगवा कर आ गई। स्वामी बहन के प्रति आपका प्रेम अनंत है, अपार है, आप हमें तो भूल सकते हैं किंतु बहन को नहीं। सच बात है रिद्धि सिद्धि, भैया दूज के तिलक और रक्षा बंधन के पवित्र बंधन में भाई बहन का स्नेह का संबंध अटूट बनता है, उस बहन को कैसे भुला सकता हूँ? हमारा स्नेह संबंध अटूट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अबे दंगल, बोलिए ठाकुर मंगल। ये आज हमने किसकी मटकी फोड़ी? अपने गांव के पुजारी की लड़की राधा। राधा काफी खूबसूरत फूल है, पकड़। उस काना ने उस राधा की मटकी फोड़ी थी और इस काना ने इस राधा की मटकी फोड़ी। ठाकुर साहब मैं आप ही के गांव की लड़की, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। हम भी तो इसी गांव के ठाकुर हैं और ये सब करना हमें शोभा देता। राधा आज तक ठाकुर मंगल सिंह ने जिस चीज को पसंद किया है उसे हासिल करके छोड़ा है,
और कसम भवानी की तुम्हें भी हासिल करके छोड़ूंगा। क्या खूबसूरत चिड़िया, पहचाना मुझे? कौन तू? मैं वही डाकू सेल सिंह हूँ जिसे तुमने 15 साल पहले गिरफ्तार करवाया था। आपको चोट तो नहीं हुई? ये नहीं, कुछ खास नहीं। अगर आप कहें तो आपको घर छोड़ दूं। माँ, अभी तक राधा नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, माँ, राधा, तू आ गई बिटिया, तू आ गई। बापू, कैसी हो बेटी? अच्छी तो हो? ठीक हूँ बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर यू न होते तो शायद मैं डाकू से नहीं बचना। जी, बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? सबकी रक्षा तो देवी माँ ही करती है। प्रणाम बाबू। जीते रहो बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम श्याम है। कहाँ के रहने वाले हो? रतनपुर का रहने वाला हूँ, ठाकुर वीरेंद्र सिंह का लड़का। अच्छा अच्छा, बेटी इनके लिए जरा जलपान दो। इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे देर भी बहुत हो चुकी है। और बेटा, देर जब हो ही चुकी है तो रात भर रह जाओ ना, कल सुबह चलोगे ना? जी, जैसी आपकी मर्जी। आपको नींद नहीं आ रही? जी, मैं भी नहीं देख रही थी। आपको नींद नहीं आई? आज पहली बार किसी ने मेरी नींद चुरा ली। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जी नहीं, नहीं। अभी आने वाली भी नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ को आपके पिताजी से इजाजत लेने के लिए कहूँ। इजाजत? कैसी इजाजत? मैं समझी नहीं। वो ऐसा है, बैठी ना, बैठी। क्यों ना दोनों बुजुर्ग मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे हम दोनों की नींद वापस लौटा। जय माँ जगदम्बे। शाम अभी तक नहीं आया। राजू, कैसे हो बेटा? जय हो माँ भवानी। माँ, क्या बात है, मुझसे नाराज हो? रात भर मुझे चिंता में डाले रखा, अब आया है प्यार जताने। माँ, तुझे पता नहीं रात को क्या हुआ? रात को बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? एक डाकू एक लड़की को उड़ा लिए जा रहा था। अच्छा? मैंने उसकी वो धुनाई की, उसे छड़ी का दूध याद आ गया। सच भैया? सच नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? प्रसाद। और ये लड़की का क्या हुआ? कौन है लड़की? राधा। दिखने में कैसी है? माँ, बिल्कुल वैसी है जैसी तुम अपनी बहू की कल्पना करती हो। मैं चलता हूँ। राजू, इधर आ, अब जल्दी से तेरे लिए भाभी ले आएंगे। राधा राधा राधा, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू काटा। जिधर देखता हूँ उधर कश्मीर की हूर है, चश्मे बद्दूर है। दंगल, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ठाकुर साहब, गर्दन ही मरोड़नी है तो मेरी क्यों, शाम की मरोड़ो ना। शाम? हाँ, ठाकुर श्याम सिंह। डाकू राधा को उठा के भाग रहे थे, श्याम सिंह जाके उसको बताया और दोनों के बीच में। दंगल, राधा अगर किसी की होगी तो सिर्फ ठाकुर मंगल सिंह की और किसी की नहीं, समझा? चल फोड़। बापू, आप चुप क्यों हैं इतने, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ, तू बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, जितनी जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूं तो अच्छा है। तुझे श्याम कैसा लगता है? बापू,
समझा, श्याम सुशील है, पढ़ा लिखा है, कल ही मैं उसकी मां से बात करता हूं। बेटी,